बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी मटन हांडी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं। हम इसमें पहले 1 कप पानी डालेंगे। मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त। 1 किलो गोश्त मटन का लिया है इसमें, और मैं इसमें अब डालूंगी 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक। नमक मैं नहीं डालूंगी अभी, और इसको मैं तकरीबन 80% तक गला लूंगी गोश्त। पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला है, बस 1 ही कप डाला है पानी। इसी में ये हल्की आँच पर गल जाएगा, तो हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये 80% तक गल गया है। अब हम इसमें बकिया के मसाले डालेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। हम 1/2 कप के करीब डालेंगे ऑयल। साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और डालेंगे हरी मिर्चों का चॉप, हरी मिर्ची जो थी ना हमारे पास वो। ये देखिए, हमने 1 टेबल स्पून भर के इसमें बटर भी डाल दिया है। अब हम इसमें बकिया के मसाले डाल देंगे। टमाटो पूरी जो हमने बनाई थी, तो ये प्याज थी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सौंफ पाउडर 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया, जीरा भुना कुटा। साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब दही। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हमने अभी 2 टीस्पून सॉल्ट डाला। गोश्त को हम इन सब मसालों के साथ अच्छा सा पकाएंगे। जब टमाटर दही का पानी खत्म हो जाएगा, हम इसे भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसे कवर कर देंगे। दस मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो देखते हैं हम गोश्त कहाँ तक पहुँचा। वाह जबरदस्त, देखा आपने, सब मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त खुशबू इसमें आ रही है। मटन हांडी तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला हमने डाल के इसको भून लिया अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें
चाहिए तीन। फ्लेम को हम कम कर देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक हम बंद करके पकाएंगे। चलिए देखते हैं, डाले हुए हमें 2 से 3 मिनट तकरीबन हो गए। मैंने इसमें बोन के साथ गोश्त लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकती हैं, लेकिन आप अगर बोन के साथ लेंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इस वक्त में डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। साथ डालेंगे ये थोड़ी सी अदरक। और ये लीजिए तैयार है जबरदस्त मटन हांडी। पतीली में बटर डाल दिया है ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर आ सके। और हम डाल देंगे इसमें मटन हांडी। तो अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा ये हरा धनिया। तो इसी मज़ेदार रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है एंजॉय करेंगे आप, इसी रेसिपी से बनाएंगी तो ज़रूर एंजॉय करेंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।